75,000 इसका कहाँ से निकल। रिजर्व फंड्स। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है बेटे। हमने क्या करने हैं इस क्वेश्चन में, बोनस शेयर इश्यू करने, 15 15 ऊपर 15 नीचे, और किसकी बेस पे करने हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स की बेस पे जो कि 12,500 की है। तो इतने निकल आए, एक शेयर की वैल्यू क्या है 100, तो इतना निकल आए 3,75,000। 200,000 कहाँ से आने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी 2 लाख यहाँ से कम हो गए, ये 1,30,000 बन जाएगा, वो 2 लाख यहाँ चला जाएगा, और बाकी 1,75,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 6,50,000, और 175 यहाँ चला जाएगा। अब जो असल हमारे पास चीज है वो आज की नई चीज क्या आ रही है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड टू इश्यू राइट शेयर 30 फॉर एवरी 50। यानी जैसे बेटा ये था ना, ये देखो इसमें ऊपर क्या लिखा था, 30 लिखा था यहाँ, या 50 लिखा, यहाँ 30 लिख दो, और कितने के करने हैं, 100 का एक है, 100 नहीं, ये तो प्रीमियम पे है, ये तो प्रीमियम पे, 20%। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो प्रीमियम पे है। तो बेटा इनकी एंट्री क्या होगी, इनकी एंट्री भी सेम होगी, उधर क्या हमने पहली एंट्री की थी, इधर हम एंट्री पहली करेंगे बैंक टू सेंड्री शेयर होल्डर्स, इसमें हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू सेंड्री शेयर होल्डर्स। अच्छा नहीं, ऐसे होता क्यों है, बैंक अकाउंट क्यों डेबिट होता है और सेंड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्यों क्रेडिट होता है, ऐसे ऐसे ही हो जाता है हवा में, नहीं इसकी एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ बेटा। वहां पे हमने जब बोनस इशू किए थे तो एक नॉमिनल अकाउंट बनाया था, कौन क्या नाम था उस नॉमिनल अकाउंट का, जब बोनस टू शेयर होल्डर किया था नॉमिनल अकाउंट का क्या नाम था, उसका नाम था बच्चों क्या उसे कहते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर, उसका नाम क्या था, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। इसमें एक नॉमिनल अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे सेंडरी शेयर होल्डर अकाउंट। जब वो हमने किया था बेटा तो क्या किया था हमने, हमने किया था कि बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट बनाया था, याद है, इसमें हम क्या करेंगे सेंडरी शेयर होल्डर अकाउंट एक बनाएंगे और हम क्रेडिट कर देंगे शेयर्स कैपिटल, क्रेडिट किसको कर देंगे, शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो तो बेटा इसकी एंट्री राइट शेयर्स की ये एंट्री। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, बोनस शेयर्स की, बोनस शेयर्स की। पहले कोई एंट्री वेंट्री बताओ ना बच्चे, क्या होनी है एंट्री, आप कहोगे सर एंट्री क्या होनी है, सिंपल रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस इस्तेमाल हो रहे हैं, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रिजर्व्स फंड अकाउंट क्रेडिट, नहीं, डेबिट के, ये भी डेबिट हो, ये भी डेबिट होगा। अच्छा कितने कितने से, ये देखो ये बच्चों वो कहता है 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखो मैंने इसके सामने 2 लाख लिख दिया और 1,75,000 रिजर्व फंड, टोटल मिला के 375 हो गया, और ये किधर जाएगा, बोनस टू शेयर्स होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट। चलो अब नेक्स्ट एंट्री क्या थी, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाए, कितने से बेटा, 375, 375। अब नई बहस आ गई, नई चीज क्या आ गई, ये बेटा कैसे बना, इसकी हिस्ट्री ये है, ये मैं आपको नीचे वर्किंग बना के देता हूँ, लेकिन इसकी हिस्ट्री ये है, इस तरह बनाई, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये आ गया। अच्छा जी ये 75, अब एक शेयर कितने का है, 100, और उसमें पार वैल्यू बेटा उसकी क्या है, एक शेयर की
पार वैल्यू है उसकी 100। पार वैल्यू क्या है 100। ओके अब बेटा उसमें प्रीमियम कितने हैं, प्रीमियम बताओ। 20। 100 का 20% 20 ही होता है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी 120। तो बेटे इसकी वैल्यू कितनी बनेगी सेंडरी शेयर होल्डर की वैल्यू, ये 9 लाख। सर ये आपको कैसे पता है, मतलब आप कैसे निकाल लेते हैं? एक तो मेरी प्रैक्टिस है, दूसरा मुझे पता है कि ये देखो पार वैल्यू, उसमें प्रीमियम ऐड, मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स को मैंने 120 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया बच्चों, ये देखो सेंडरी के सामने मैंने लिख दिया है, ये देखो 9 लाख। ठीक है बेटा, समझ आ गई? सेंडरी के सामने 9 लाख कैसे बना, ये वर्किंग है, ये वर्किंग। ठीक है अब मैं जा रहा हूं बैंक की तरफ और शेयर कैपिटल, जिस क्वेश्चन में प्रीमियम होगा, मैंने बताया था प्रीमियम क्रेडिट होता है क्योंकि ये इनकम होती है, ये क्रेडिट होता है, वैसे प्रीमियम लायबिलिटी होती है, हमने ये वापस करनी होती है, प्रीमियम ऑन इश्यूएंस ऑफ शेयर्स अकाउंट। ठीक है बेटे अब क्या करूं, अब मैं क्या करूंगा, इसके साथ बेटा लिखूंगा 7500, इसके नीचे भी लिखूंगा 7500 और बेटा इधर भी लिखूंगा 7500, बल्कि बैंक के सामने तो वैसे ही ये 9 लाख कर दो ना, 9 लाख। अब 7500 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, 7,50,000 आएगा। कितना आएगा बेटा 7,50,000, और बेटा इस प्रीमियम को कितने से मल्टीप्लाई करूं 20 से, तो आएगा 1,50,000। क्या आएगा 1,50,000। लो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन होगा, इसमें एक ट्रांजैक्शन ये है और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये है और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये है, नंबर वन, नंबर टू। ये बेटा हमारा जर्नल हमने बना लिया, ये हमने क्या बना दिया इसका जर्नल बना दिया और बस ठीक हो गया बेटे। ये हमारा डेट का कॉलम है एज यू नो, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये हमारा लेजर फोलियो का कॉलम है, ये डेबिट रुपीज का और ये क्रेडिट रुपीज का, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हम थोड़ा आगे मूव करेंगे और मूव करेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट। लो बच्चों ये हो गया, इस तरह आपका ये जर्नल मुकम्मल हो गया। ओहो ना भाई ऐसे नंबर, इससे इस तरह बेटे आपको पता है आपका जर्नल बन जाता है। चल बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वर्किंग, मैं जरा वर्किंग नोट को ना, ये ऊपर आपने इसका नाम देना है वर्किंग नोट। सबसे पहले आपने निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकलेंगे, इज इक्वल टू ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 50। कितना आंसर आएगा उसका जब आप उसको करोगे, 15,000 12,050 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 50, और जब इसको करोगे तो आंसर आएगा 3750। क्या आएगा बेटा 3750। ठीक है अब ये तो हो गए ना नंबर ऑफ शेयर्स, आप नीचे कर लेना मैंने आगे करके किया। अब यहाँ लिखोगे अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स, क्या लिखोगे बेटा अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स। तो अब कैसे निकालोगे 3750 को 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा 3,75,000। अब इसमें से ये पोर्शन कहाँ से आएगा बेटा, ये इसके साथ लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस और इसके साथ लिखो रिजर्व फंड। ये तो बेटा है वर्किंग वन, ये क्या है वर्किंग वन, यहाँ आप लिख लेना वर्किंग डॉट वन। अब आप दूसरे पे आ जाओगे,
नंबर ऑफ राइट शेयर्स। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स इसमें 50 की बजाय क्या हो जाएगा 30, और इधर भी 30 डबल हो गए ना, डबल हुए तो वो भी डबल हो जाएगा ये। और इसमें अमाउंट ऑफ राइट शेयर्स, शेयर्स कैसे निकालोगे, 7500 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू जो कि 9 लाख बन जाए। ठीक हो गया बच्चे, अब बस बात खत्म हो गई। अब इसमें हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं पार वैल्यू 100, प्रीमियम 20, मार्केट वैल्यू 120। अब बेटा ये एंट्री आपको आती है, इसके सामने अमाउंट भी आती है, ये भी आती है, इसके सामने अमाउंट भी आती है। ये आपको सिर्फ एक दफा रिपीट करने वाली है। इसको करने का मैं तरीका आसान, इससे भी आसान बता देता हूं। अब बेसिक क्या करोगे कि सारी जगहों पे ये 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख, सिर्फ कैपिटल वाली जगह पे नहीं लिख सकते आप और प्रीमियम वाली जगह पे नहीं। क्यों? कैपिटल को पार से और प्रीमियम को प्रीमियम से कर। पार वैल्यू किसके साथ लगेगी बेटा? कैपिटल के साथ। और प्रीमियम प्रीमियम के साथ लगेगा, प्रीमियम प्रीमियम के साथ। ये 9 लाख जो निकला, इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, इधर भी लिख दिया। कैपिटल के साथ गया, उसने कहा नहीं मैं मेरे साथ ना लिखना। कहता क्यों नहीं लिखना? तब मैंने पार से मल्टीप्लाई होना, तो 7500 × 100 7 लाख। फिर बेटा इसको 20 से किया 1,50,000। इस तरह से ये दो वर्किंग हैं जो आप करेंगे, और साथ के साथ आप इसकी क्या करेंगे बच्चों, अच्छा अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये खत्म हो जाएगा बस बेटे क्वेश्चन, ये आपस में खत्म हो जाएंगे, सेंडरी शेयर होल्डर, सेंडरी शेयर होल्डर से खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या होगा, रिजर्व फंड। ये बेटे देखो, ये इसमें से रिजर्व फंड 2 लाख माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से 2 और यहाँ 175 माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे ही होगा। उसके बाद शेयर कैपिटल, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बैंक अकाउंट एसेट साइड पे चला जाएगा, शेयर कैपिटल, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। प्रीमियम भी लाइबिलिटी बन जाएगी, प्रीमियम भी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक हो गया। आपको क्वेश्चन है तो बोलो बोलो। जी सर, वो मैं पूछ रही थी जो फर्स्ट एंट्री है ये हम कर देते हैं प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली, फिर उसके बाद हम ये दोबारा बोनस टू शेयर होल्डर की वाली क्यों? ये बेटा उस वक्त होते हैं जब डिक्लेयर होते हैं, और ये उस वक्त होते हैं जब अलॉट होते हैं। इनके नीचे हम एक नरेशन, नरेशन लिख सकते हैं ना। ठीक, हम नरेशन इसके नीचे लिख सकते हैं। क्या बेटा इसके नीचे नरेशन में लिखने लगा, व्हेन शेयर्स, बोनस शेयर्स डिक्लेयर। ये वैसे आपने थोड़ा ऊपर लिखना है, वो लाइन से ऊपर लिखना है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। व्हेन बोनस शेयर्स, बोनस शेयर डिक्लेयर। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हेन बोनस शेयर्स अलॉटेड, व्हेन बोनस शेयर्स अलॉटेड। नेक्स्ट, ये इसके नीचे क्या लिखोगे, नरेशन। नरेशन बेटे ऐसे ब्रैकेट में होती है, याद रखना ब्रैकेट में होती है। ठीक, ऐसे कर जी। अच्छा, इसकी एंट्री क्या लिखोगे, व्हेन अमाउंट रिसीव, व्हेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर, यानी पैसे रिसीव कर रहे हैं। व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, और इसमें लिखोगे, बल्कि वैसे ना इसमें एक अकाउंटिंग में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बीइंग का, बीइंग का बच्चों। ठीक है, 7500 अच्छा, बीइंग का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग के अंदर, तो आपने हर एक के साथ बीइंग किया जा रहा है, किया जा रहा है। अब ये मैं एग्जैक्ट लिखने लगा हूं, ऐसे लिख, बीइंग, बीइंग राइट शेयर इशू, यानी राइट शेयर इशू किए जा रहे हैं। ठीक हो गया बच्चे, इस तरह। अब यहाँ पे लिखोगे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर, बीइंग शेयर्स अलॉटेड, बीइंग शेयर्स डिक्लेयर। ठीक है, लेकिन ये इस लाइन से ऊपर आना है, इस लाइन से बेटा, इस लाइन से ऊपर आना। अब हम मूव करते हैं इसकी बैलेंस शीट की तरफ। इसकी बैलेंस शीट बनाना तो हमारे लिए कोई ऐसा मुश्किल काम है नहीं ना, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में बेटा जो जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें चाहिए होती हैं,
यहाँ पे होती है लाइबिलिटीज, और यहाँ पे हम रुपीज लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसेट्स, और यहाँ पे हम रुपीज लिख लेते हैं। सबसे पहले बेटा जो आपको दिया गया है ना वो ऑथराइज, अगर क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है ना ऑथराइज कैपिटल, उसमें लिखा हुआ है 300,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो बेटे ये 3 मिलियन बन गया। क्या बन गया? 3 मिलियन बन गया। मैंने याद रखा हुआ था, मुझे याद था इसकी, देखो ठीक है। अब इशूड सब्सक्राइब एंड पेड एफ कैपिटल, नीचे मैं ये लिख के इसको मैं काला शाला करके इसके नीचे मैंने एक लाइन लगा दी ताकि बस इशूड पेड अप एंड सब्सक्राइब कैपिटल। तो बेटा ये अब कितना होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले वाला इतना है 12,50,000, ठीक। हाँ वैसे अगर करना है ना, ये देखो ये कैपिटल है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ कि इसको लिखना है, लिख दिया, और ये भी कैपिटल है ये देखो, ठीक है। तो 7,50,000 और 3 लाख ये इसमें ऐड हो जाएगा, 3,75,000 प्लस 7,50,000 इसमें ऐड होके क्या बन जाएगा बच्चों, 23,750। तो अब कितने शेयर बन गए, 100 का एक होता है ठीक है, शेयर ऑफ 100 ईच ऐसे ही लिखते हैं ना, अगर 100 ईच है तो इसको डिवाइड करो तो 23,750 आ जाए बेटे, होता है ना दो सिफर काट दो तो ये वाले आ जाएंगे, वैसे भी आप 100 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लो क्या कौन सा ऐसा बन जाता है। नेक्स्ट बेटा रिजर्व्स फंड है, और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। चलो जी बात हम कर लेते हैं, रिजर्व फंड्स कितने के थे, 8,25,000 के, और उसमें से कितना निकल गया रिजर्व फंड 175 का, तो मैंने ये देखो 8,25,000 माइनस 175, और प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था 3,30,000 का, और 2 लाख माइनस का तो लो हो गया। अच्छा जी अब बस हमारी ये साइड हो गई, और इसमें से मैंने अब याद रखो मैंने इनको भी बेटा ट्रीट कर दिया, अब क्या बच गया पीछे, बैंक और प्रीमियम। प्रीमियम मैंने बताया था लायबिलिटी होती है, शेयर्स प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट लायबिलिटी होती है, कितना है बचे 1,50,000, और इधर लिखूंगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और वो कितने का 9 लाख का, ठीक है मुझे याद है ना, मैंने अभी जो क्वेश्चन किया था उसको मैंने। अच्छा ये ग्रीन जो है ये बैलेंस शीट में इनका इफेक्ट आना है, अब मैं इनको करूंगा ऐड, इनको ऐड करने से मेरा जब ही मैंने इनको ऐड करना शुरू किया तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया बच्चों ये 30, और इसी को मैं अब यहाँ लिखूंगा और यहाँ पे। अब ना बेटा इसमें से इसको क्या कर देना है माइनस, और इनको कहना है आपने कह देना है सेंडरी एसेट्स, सेंडरी होते हैं मुतफरिक, सेंडरी एसेट्स, और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंस फिगर, इसका क्या मतलब है कि ये जो बैलेंस फिगर है ये सेंडरी एसेट्स, ठीक हो गया। ऊपर आप एज यूजुअल कंपनी का नाम लिखोगे, जो कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था कंपनी का नाम क्या था जी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, उसके बाद यहाँ लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2005, इसको बड़ा पसंद है, 10 तो नहीं है, 2010 है, या इसको 10 पसंद है या 5 पसंद। लो जी ये हो गया बच्चे, और ये हम ऐसे हमने किया फॉर्मेट को सीधा पदरा कर दें, लो भाई ये हमारा हो गया, उसके बाद बच्चे ये हो गया, ये हो गया, और हमने ये कर दिया लास्ट में बच्चों, लास्ट में कोशिश करना ये नीचे डबल लाइन लगाते हैं अकाउंटिंग, एक ऊपर सिंगल फिर डबल लगाते हैं। चलो तो ये बच्चों आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, उम्मीद है समझ आ गया होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें,
और ये मैं आपको वीडियो, इसकी वीडियो भी भेज, अगर चाहिए तो भेज दूंगा, वीडियो छोटे वाली भेजूंगा। एक एक ऐसी है जो 5 मिनट की है, इस क्वेश्चन जल्दी 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 लो क्वेश्चन भी भेज। ठीक है बेटा,